हेलो फ्रेंड, वेलकम टू स्टडी न्यूज़। आज हम एक बार फिर से इतिहास की गलियों से एक वीर रानी की कहानी ले आए हैं, जिनका नाम है रानी कमलापति। आखिर ये कौन थी और ऐसा क्या हुआ जिसके कारण इन्हें जल समाधि लेनी पड़ी? तो चलिए शुरू करते हैं इनकी कहानी। ये कहानी है 18वीं शताब्दी की, जब भोपाल में गिन्नौरगढ़ में गौड़ राजाओं का शासन था। वहाँ पर एक वीर वीरांगना का जन्म हुआ जिनका नाम रानी कमलापति रखा गया। रानी को बचपन से ही युद्ध नीतियों में दिलचस्पी थी, जिसकी वजह से इन्होंने तलवारबाजी भी सीखी और रानी अपने पिता के साथ कभी कभी युद्ध क्षेत्र में जाया करती थी और युद्ध में हिस्सा भी लिया करती थी। रानी युद्ध कला में तो निपुण थी ही और बेहद खूबसूरत भी थी। जब रानी कमलापति बड़ी हुई तब इनका विवाह सूरज सिंह शाह के बेटे निज़ाम शाह से हो गया। निज़ाम शाह गौड़ रियासत के एक वीर राजा थे। उस समय वो क्षेत्र भोपाल की ऊपरी झील के आसपास का क्षेत्र में आता था, जो भील और गोंड आदिवासियों ने बसाया था। उस समय गोंड सरदारों में निज़ाम शाह सबसे मजबूत माने जाते थे। आज के समय में वो क्षेत्र पूरी तरह से भोपाल में आ गया है। निज़ाम शाह की 7 पत्नियाँ थीं, जिसमें से एक रानी कमलापति थी। रानी कमलापति उनकी खास पत्नी थी। राजा निज़ाम शाह ने अपनी प्रिय पत्नी कमलापति के लिए एक बेहद खूबसूरत महल बनवाया था, जो आज भी उपस्थित है। ये महल एक झील के ऊपर बना हुआ है। इस महल के बारे में बताया जाता है कि ये महल परमार राजा भोज द्वारा भोपाल ताल के प्राचीन बांध के ऊपर बनवाया गया था, जिसे भोजपाल के नाम से भी जाना जाता था। फिर इस महल को दोबारा 1722 में राजा निज़ाम शाह और रानी कमलापति ने बनवाया था, जिसे कमलापति महल के नाम से जाना जाने लगा। इस महल में उनके राज्य की स्थापत्य कला की खूबसूरती देखने को मिलती है। इस 2 मंजिले महल के निर्माण में लाखोरी ईंटों का प्रयोग किया गया है, जिसका ऊपरी भाग मेहराबों तथा कमल की पंखुड़ियों से अलंकृत स्तंभों पर आधारित है। महल के सामने की तरफ छज्जे बने हुए हैं। ये वो समय था जब रानी कमलापति और गौड़ रियासत का समय अच्छे दौर से गुजर रहा था कि तभी उनके जीवन में एक नया मोड़ आया। राजा निज़ाम शाह के भतीजे का नाम आलम शाह था, जो राजा निज़ाम शाह से बहुत ईर्ष्या करता था। आलम शाह राजा के बढ़ते वर्चस्व से इतना क्रोधित हुआ कि उसने एक षड्यंत्र रचा और एक रात भोजन के समय राजा के भोजन में जहर मिला दिया, जिस वजह से राजा निज़ाम शाह की मृत्यु 1720 में हो गई। आलम शाह से रानी और उनके बेटे को भी खतरा था। ऐसे में रानी कमलापति ने अपने बेटे नवल शाह को गिन्नौरगढ़ से भोपाल में स्थित कमलापति महल में ले गई। रानी अपने पति के मौत का बदला लेना चाहती थी, लेकिन दिक्कत ये थी कि उनके पास न तो फौज थी और ना ही धन संपत्ति। इतिहासकारों के अनुसार उसी समय मोहम्मद खान भोपाल पर अधिकार करने के लिए आया था। इससे पहले वह जगदीशपुर पर अधिकार कर उसका नाम इस्लाम नगर रख चुका था। मोहम्मद खान रानी कमलापति का एक अच्छा दोस्त था। रानी ने मोहम्मद खान से सहायता मांगी। मोहम्मद खान अपने जीवन को बहुत ही शान शौकत से जीता था। इसके अलावा उसे मछलियों का शिकार करने का भी बड़ा शौक था, जिस वजह से वह अक्सर भोपाल के तालाब पर जाया करता था और ये बात रानी को पता थी। रानी ने सैनिकों को मोहम्मद खान को बुलाने का आदेश दिया। अगले दिन मोहम्मद खान रानी के सामने हाजिर हो गया। जब मोहम्मद खान और रानी मिले तो रानी ने अपने पति की मौत का बदला आलम शाह से लेने के लिए कहा। मोहम्मद खान ने ये आदेश स्वीकार कर लिया, लेकिन बदले में 1,00,000 रुपए की मांग की। रानी को बदला लेना था, इसलिए पैसे न रहते हुए भी उन्होंने इसे स्वीकार कर लिया। मोहम्मद खान ने आलम शाह के राज्य पर आक्रमण किया और उसको मार गिराया था। बाद में रानी ने कुछ पैसे और भोपाल का एक हिस्सा मोहम्मद खान को दिया। रानी कमलापति के अंतिम दिनों का इतिहास स्पष्ट रूप से ज्ञात नहीं है, इसलिए कई लोगों का कहना है कि मोहम्मद खान ने रानी को शादी करने का प्रस्ताव दिया था, लेकिन रानी ने मोहम्मद खान से शादी करने से इनकार कर दिया था। मोहम्मद खान ये इनकार स्वीकार न कर सका, जिस कारण रानी के 16 साल के पुत्र
नवल शाह और मोहम्मद खान के बीच कई युद्ध हुए और इस युद्ध में नवल शाह की मृत्यु हो गई। नवल शाह की मृत्यु के बाद पूरे भोपाल पर मोहम्मद खान का अधिकार हो गया और ऐसे में रानी कमलापति ने मोहम्मद से अपनी जान बचाने के लिए महल के पास एक छोटे से तालाब में जल समाधि ले ली। उन्होंने राज्य का सारा धन संपत्ति भी इस तालाब में फेंक दिया था और वहीं पर तालाब में कूदकर जल समाधि ले ली। और जब मोहम्मद खान महल आया तो उसके हाथ कुछ नहीं लगा। कई सूत्रों के हिसाब से ऐसा भी माना जाता है कि मोहम्मद खान और रानी कमलापति एक दूसरे को भाई बहन मानते थे। जब रानी को मुसीबत के समय सहायता की जरूरत थी तब मोहम्मद ने एक भाई के रूप में उनकी सहायता की और रानी ने अपनी खुशी से भोपाल का कुछ हिस्सा मोहम्मद खान को दिया था। उसके बाद किसी कारणवश ही उनके पुत्र नवल शाह की मृत्यु हो गई और उसके कई सालों तक रानी जीवित थी। जब रानी कमलापति की प्राकृतिक मृत्यु हो गई तब भोपाल का पूरा साम्राज्य मोहम्मद खान ने अपने अधीन ले लिया था। अब इन दोनों ही कहानियों में कितना सच है, ये सच इतिहास की गलियों में कहीं गुम हो गया है। और अगर आज की बात करें तो हमारे देश का दिल मध्य प्रदेश और इसकी राजधानी भोपाल, जहां पर हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर रानी कमलापति रखा गया है, इस समय मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान की सरकार है, जिन्होंने ये प्रस्ताव केंद्रीय गृह मंत्रालय को दिया था जिसकी मंजूरी मिल गई है और अब इस स्टेशन का नाम रानी कमलापति रेलवे स्टेशन हो गया है। दोस्तों, अब आप सोच रहे होंगे कि आखिरकार क्या वजह है कि इस रेलवे स्टेशन का नाम बदलने की ज़रूरत पड़ी। रानी कमलापति एक बहादुर, पराक्रमी और वीर महिला थी जो आज भी औरतों के लिए एक बेहतरीन प्रेरणा का स्रोत है। इसी वजह से हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर रानी कमलापति रेलवे स्टेशन कर दिया गया। अगर हबीबगंज नाम का इतिहास जाने तो हबीबगंज का नाम भोपाल के नवाब हबीब मियां के नाम पर रखा गया है। पहले इसका नाम शाहपुर था। साल 1979 में रेलवे ने विस्तार करते हुए इसका नाम हबीबगंज रख दिया था। उस समय मध्य प्रदेश का नाम गंज हुआ करता था, तब दोनों नाम को जोड़कर हबीबगंज रखा गया था। हबीब मियां ने 1979 में स्टेशन के विस्तार के लिए अपनी जमीन दान दी थी, जिसके बाद इसका नाम हबीबगंज रखा गया था। अरबी भाषा में हबीब का मतलब सुंदर होता है। ये नया कमलापति रेलवे स्टेशन आधुनिक सुविधाओं से समृद्ध है। इसमें कई सारी नई टेक्नोलॉजी है और इसके आसपास कई सुंदर बगीचे भी हैं। तो ये थी रानी कमलापति से जुड़ी कई रोचक कहानियाँ। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट।